हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुरेंद्र है। मैं आप सब लोग को मेरा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। ये वीडियो में MG Aster स्टाइल वेरिएंट, इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसे है, सीटिंग कंफर्ट कैसे है, स्पेशली फैमिली के साथ जा रहे तो उसका सीटिंग कंफर्ट कैसे है, और मेनली इसका माइलेज, हाईवे पे ये गाड़ी कितना माइलेज देते, रेगुलर रोड पे या सिटी पे कितना माइलेज देते, ये सब आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। रिसेंटली मैं नांदेड टू औरंगाबाद एंड औरंगाबाद टू नांदेड ट्रैवल किया वाला हूँ। अराउंड 600 किलोमीटर्स में ट्रैवल किया वाला हूँ, तो जो भी मैं शेयर करने वाला हूँ बेस्ड ऑन दोस 600 किलोमीटर्स। ओके, अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करो। MG Aster स्टाइल वेरियंट का एक अच्छा फीचर है 60-40 स्प्लिट। ये बेस मॉडल में दिया वाला है। आप सेल्टोस ले लो या क्रेटा ले लो या टाइगुन ले लो या कुशाक ले लो, 60-40 स्प्लिट बेस मॉडल में नहीं देते। MG स्टाइल वेरिएंट में आपको ये फीचर अवेलेबल है। आप देख सकते हैं जब मैं फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ ये फीचर कितना अच्छा यूजफुल है। ये मेरा एक ड्रीम जैसा था पहले, जब भी मैं गाड़ी लूँ ऐसा, मैं जब ट्रैवल करता हूँ मेरा फैमिली, बच्चे खेलना है तो आराम से खेलना है, और खेल के समझो वो थक गया तो उनको खाना है तो खाना खिला सकते, गाड़ी सेपरेट रुकना जरूरत नहीं, जाते जाते ये सब कुछ कर सकते। और खाना खाया, खेला, थक गया, उसके बाद उसको सोना है, देखो अभी बच्चे खेलने के बाद थक गया और आराम कर रहे, उनका मम्मी उनको अच्छा तरफ से ध्यान दे सकते। ये सब फीचर्स, अभी देखो दोनों बच्चे आराम से सो रहे और स्पेस, लॉट ऑफ स्पेस अभी भी अवेलेबल है। इवन मम्मी भी आराम करना है तो बच्चे के साथ आराम करके ट्रैवल कर सकते। ये बहुत अच्छा फीचर है, मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं MG Aster बुक करने का, स्टाइल बुक करने का मेन रीज़न है ई। तो जो फैमिली आप जब ट्रैवल करते कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होते। अभी आएंगे ड्राइविंग एक्सपीरियंस में मुझे अच्छा लगा इसका लाइट पोजीशन और फोकस। जो इसका पोजीशन इतना अच्छा है जो सामने आने वाला को ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं लगता है, और रोड्स ये जब भी ज़रूरत पड़ता है तो हम हाई बीम यूज़ कर सकते, और ये ड्राइवर का साइड लाइट थोड़ा ज़्यादा फोकस रहते, इसके वजह से ड्राइवर अच्छा तरफ से देख सकते कुछ प्रॉब्लम है क्या। और जब भी आप 80 स्पीड क्रॉस करते तो आपका स्लो डाउन बोल के एक अलार्म मैसेज जैसा देते, इट इज़ वेरी वेरी गुड, तो ड्राइवर को हमेशा अलर्ट कर देते। और सीट बेल्ट, जब तक आप सीट बेल्ट नहीं पहनेगा तब तक ये अलार्म देते रहते। मेरा बच्चा भी सीट बेल्ट पहनना चालू किया। और एक फीचर है पेट्रोल एम्प्टी होते टाइम में कितना किलोमीटर्स आप जा सकते, तो हमको एक मैसेज देते। अभी आप देखो ये छोटा हाईवे जैसा है या ये टू लेन नॉर्मल रोड है, और बहुत सारे लूप होल्स है, इसमें होल्स वगैरह है, फिर भी इसका स्मूथ ड्राइविंग, सस्पेंशन वगैरह अच्छा होने की वजह से जो बैठते उनका कभी कुछ भी प्रॉब्लम या जर्क वगैरह नहीं लगता है, इज़ वन ऑफ द गुड फीचर। और ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, जब मैं ट्रैवल करते टाइम में एक दो प्लेसेस में लारी सडनली टर्न लिया था, उस टाइम ये चारों डिस्क ब्रेक होने की वजह से मैं अच्छा तरफ से ब्रेक लगाया और गाड़ी प्रॉपर टाइम में रुक गया था। और इसका जो भी सस्पेंशन है ना, तो ब्रेकिंग सिस्टम है, बहुत सारे, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अभी आएंगे हम माइलेज की तरफ से। जो माइलेज हम टेस्ट किया है ऐसा चार लेन हाईवे पे, इवन दो इट इज़ नॉट दैट मच गुड हाईवे, और ऐसा नॉर्मल 60-70 किलोमीटर्स ऐसा रोड है हमारा, आउट ऑफ 250 किलोमीटर्स में 60-70 ऐसा रोड है, बाकी फोर लेन है या टू लेन है, लेकिन रोड अच्छा है, रीजनेबली अच्छा है। और हम टू अडल्ट्स, टू किड्स और टू डेज का लगेज इसके साथ हम ट्रैवल किया था। आप चेक कर सकते 100 किलोमीटर्स ट्रैवल करते टाइम विथ AC ऑफ 19 किलोमीटर माइलेज दिया वाला है। आई रिपीट अगेन, ये AC ऑफ करके हम चेक किया था, आगे बताएंगे AC ऑन करके कितना देंगे। ओके, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। यूजुअली मैं टेस्ट नहीं करता लेकिन ऑडियंस की वजह से मुझे टेस्ट किया,
और नॉट ओनली फॉर 100 किलोमीटर्स, एंटायर जर्नी 250 किलोमीटर्स ट्रैवल करने के बाद भी हम चेक किया था, इट इज़ 18.2 किलोमीटर पर लीटर फॉर 250 किलोमीटर्स विथ एसी ऑफ, इज वेरी मच सेटिस्फाइड विथ द माइलेज परफॉर्मेंस। और ये है विथ एसी ऑन 100 किलोमीटर्स अने गुड रोड, अराउंड 16 किलोमीटर्स मुझे मिला है। एंड दिस वन इज ओवरऑल, अभी तक जो 660 किलोमीटर्स ट्रैवल किया हूँ मैं, उसका 13.3 किलोमीटर, उसमें सिटी का है, हाईवे का है, नॉर्मल रोड का है, एवरीथिंग। तो माइलेज वाइज सिटी में 10 to 13 देते। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो।